Hi everyone, someone has says that history repeats itself in 20 years, but this time it's 100 years. Corona पहले भी मौजूद था, इस तरह की बाकी जो viruses थे और इस तरह के impacts थे, दुनियावी बीमारियां जिसने आप कह सकते हैं एक वबा जो थी उसका element भी था, और ये सब चीज़ें पहले से चल रही थी। 1720 में अगर आप देखें तो प्लेग आया था और उसके बाद दुनिया जो है वो जहाने फ़ानी से स्लोली ग्रेजुअली ख़त्म होती दिखाई दी। इस तरह अगर हम 18वीं सदी की बात करें तो 1820 में कॉलरा नामी बीमारी आई, वबा फैली जिससे दुनिया जो है वो काफ़ी मुतासर हुई। उसके बाद 1920 में यानी 19वीं सदी के जो 20वीं दूसरी दिहाई थी उसमें स्पेनिश फ्लू आया और स्पेनिश फ्लू ने दुनिया को हिला कर रख दिया। इसके बाद 2020 कोरोना वायरस, मतलब ठीक 100 साल बाद। ये जो चारों चीज़ें चल रही हैं ये 100 साल के बाद चल रही हैं, 1720, 1820, 1920 और 2020। तो दोस्तों ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये पुराने नोटिसेस आपके सामने मौजूद हैं, इसमें आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपने किन किन चीज़ों को कवर करना है। ये स्पेनिश फ्लू जो आया था 1920 में ये उसका पब्लिक नोटिस पेश खिदमत है। तो ये जो 100 साल का गैप आ रहा है ये कोई आम गैप नहीं है। इस मौके पर काफ़ी लोगों ने बहस व मुबाहिसा भी किया, लोगों ने फिर इस पे शायरी भी लिखी, जिस तरह जंग के दिनों में शायरी लिखी जाती है मोटिवेशन के लिए, इस तरह इन वबा के दिनों में भी बाकायदा मोटिवेशन कैंपेन्स चलाई गई, जिस तरह आप आजकल देख रहे हैं कि हम अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं, तो इस तरह यहाँ पे मोटिवेशन कैंपेन्स चला करती थी और लोगों को बाकायदा कहा जाता था कि वो काम करें, लेकिन बीइंग इन द सेफ्टी जोन, साफ रहकर, सेफ रहकर, महफूज रहकर। तो ये सब चीज़ें चलती आई हैं दोस्तों और आगे भी चलती रहेंगी। जो पेंडेमिक सिचुएशन है हिस्ट्री में, स्पेनिश फ्लू अगर आप देखें 1918 से शुरू हुआ और ये तकरीबन 2 साल तक रहा, मतलब 1920 तक रहा, और 3 वेव्स इसकी आती रहीं और 500 मिलियन जो लोग हैं वो इससे इफ़ेक्ट हुए और इन्फेक्टेड लोगों की तादाद जो है वो काफ़ी बढ़ती गई और 50 मिलियन अमवात इससे हुई। तो ये कोई आम चीज़ नहीं है, इसको प्लीज़ रिपीट मत होने दें, ख्याल रखें। ये आज की जो अखबार है उससे मैंने ये क्लिप शामिल कर रहा हूँ कि पाकिस्तान बिकम्स 29th कंट्री विथ 500 कोरोना डेथ्स। ये कोई आम चीज़ नहीं है, पहले पाकिस्तान जो वो 50th पे था, अब ये 29th पे है।